स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल सरकार चाहे किसी भी देश की हो लेकिन देर आर सर्टन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच आर सेम अक्रॉस एवरी और एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज क्रिएशन ऑफ जॉब अपॉर्च्युनिटीज अब जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्रिएट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर का डायरेक्ट इंपैक्ट आता है ऑन दी क्रिएशन ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के साथ एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम एसोसिएटेड है और वो प्रॉब्लम है सोर्सेज ऑफ की क्योंकि क्या होता है कमर्शियल बैंक्स देते हैं शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए लोन ज्यादा जद से ज्यादा पाँच या दस साल के लिए लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए जो फंडिंग चाहिए होती है एक तो बहुत ही बड़े अमाउंट की चाहिए होती है साथ ही साथ बहुत ही लंबे टेन्योर की चाहिए होती है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है कंप्लीट होते होते इसलिए इस बार के बजट में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंस किया कि इंडिया में टू फंड दी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स

सीरीज में इकोनॉमिक्स के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को तोड़ मरोड़ के समझाते हुए देखा होगा तो आज जिस कॉन्सेप्ट की हम बात करने वाले दैट इज डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आइए स्टार्ट करते हैं कि, कि किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता क्या है सो so, एक डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक ऐसी एजेंसी होती है जो फाइनेंस प्रोवाइड करती है फाइनेंस मतलब लोन प्रोवाइड करती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को जिनकी नेशनल इंपॉर्टेंस है क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है गवर्नमेंट मैंने आपको बताया था क्योंकि उससे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है ऑन क्रिएशन ऑफ ऑन दी क्रिएशन ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकिन एक बात और लिखी हुई है यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स जिनको डी एफ आई फाइनेंस करेंगे जो, जो उनको पैसा देंगे जैसे प्रोजेक्ट को जरूरी नहीं है कि वो कन्फर्म करे कमर्शियल रिटर्न स्टैंडर्ड्स को क्योंकि जब भी कोई कमर्शियल बैंक किसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करता है या पैसा देता है दिस ही कि भाई इस प्रोजेक्ट से उन्हें कोई रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा बट जो डी एफ आईज अगर स्टेब्लिश हो रहे हैं विच इज डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दे विल नॉट लुक इन टू दिस आस्पेक्ट वाई गिविंग द लोन कि भाई प्रोजेक्ट कमर्शियल स्टैंडर्ड्स को कंफर्म करता है कि नहीं करता है

उन्होंने डिसाइड किया दैट दट फाइन दिच इज डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन आइदर बी ओन बाई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चैरिटेबल इंस्टीट्यूट या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट क्वेश्चन दैट शुड कम इन योर माइंड इज किस ऑब्जेक्टिव के साथ डेवलपमेंटल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किए जा रहे हैं सो वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज

नूक एंड कॉर्नर ऑफ दी कंट्री में जाके तो अपने आप जो रीजनल डिस्पैरिटीज है जो इनिकवालिटीज है वो रिड्यूस होंगी और यही कुछ एजेंडा के साथ जो डी हैं वो इंडिया में इस्टैब्लिश करे जा रहे हैं तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम अभी तक सरकार ने ये क्यों नहीं सोचा क्या ये पहली बार है कि इंडिया में इंडिया में डी एफ करे जा रहे हैं या आज तक डी क्यों नहीं ऑलरेडी इंडिया में लाए गए तो स्टूडेंट्स लेटस गो बैक टू फर्स्ट टाइम डेवलपमेंटलिश हो रहे हैं फर्स्ट आप काफी हैरान होंगे की फर्स्ट टाइम इंडिया में जो डी एफ आई स्टेब्लिश हुआ था वो सन नाइनटीन फोर्टी एट दैट वॉज स्टैब्लिश इन ईयर नेम ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ठीक है ना उसके बाद आया इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसको आप बिल्कुल भी आईसीआई बैंक के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा आईसीआई लिमिटेड वाज अनदर सेपरेट एंटिटी एंड आईसीआई बैंक एक ऑल टुगेदर डिफरेंट एंटिटी है तो आईसीआई के नाम से एक दूसरा नाइनटीन नाइन आईसीआईसीआई के नाम से दूसरा डीएफआई एफ एस्टैब्लिश किया गया कौन से ईयर में 1955 में उसके बाद स्टैब्लिश किया गया आईडीबीआई इन ईयर 1964 लेकिन फिर क्या हुआ अब फिर से गवर्नमेंट क्यों लेके आ रही है डीएफआई का कॉन्सेप्ट क्योंकि नरसिम्हम कमेटी के आते हुए क्योंकि नरसिम्हम कमेटी रिफॉर्म्स के साथ डी को बंद करना सही समझा गया वहां पर रिकमेंडेशन प्रोवाइड किया गया था नरसिम कमिटी द्वारा दैट डी एफ शुड नो लॉन्गर बी ऑपरेशनल एंड दे शुड बी क्लोज दैट इज वाई इंडिया में जो डी थे एग्जिस्टिंग डी उन्हें क्लोज कर दिया गया ठीक है ये तो हो गई हिस्ट्री अब नेक्स्ट थिंग दैट शुड मैम ये लोग इतने लार्ज स्केल पे फंड कहाँ से अरेंज करेंगे क्योंकि अभी तो आपने बोला था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं उनको फंड बहुत लार्ज स्केल पे चाहिए होते हैं और बहुत ही लंबे समय तक के लिए फाइनेंसेस चाहिए होते हैं तो उनका सोर्सेज ऑफ फंडिंग क्या रहेगा तो स्टूडेंट्स जो डी एफ आईज हैं दे विल बी आईदर बोरोइंग फ्रॉम दी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट से पैसा लेंगे या गवर्नमेंट से लोन लेंगे गवर्नमेंट से लोन लेंगे किस फॉर्म में अपनी बॉन्ड्स इशू करके तो बॉन्ड्स क्या होता है बॉन्ड्स एक टाइप का लोन ही दिखाता है लोन डिपिक्ट करता है लोन शो करता है जब डी एफ आईज अपनी बॉन्ड्स इशू करेंगे गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट उनको बदले में देगी पैसा एंड दैट विल बी दी मेजर सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर डी एफ आईज अब इसी के इर्द गिर्द इसी के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं आपके जो एग्जाम्स है उसमें क्वेश्चन आते हैं चाहे कोई सा भी एग्जाम हो तो जो एरियाज होते हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो फर्स्ट एरिया होता है कैन ओन द डीएफआईज सेकेंड एरिया सोर्सेज ऑफ फंडिंग क्या रहेगी एंड लास्ट इज क्या वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस भी प्रोवाइड करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को सो योर आंसर शुड बी क्लियर नो कि भाई सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म फंडिंग के लिए ही डी एफ आईज स्टैब्लिश करे जा रहे हैं शॉर्ट टर्म फंडिंग विल नॉट बी प्रोवाइडेड बाई द डी एफ आईज इजमेंट विच इज डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसी टाइप के अगर क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहते हैं देन यू कैन विजिट माई पेज दैट इज ऑन इंस्टाग्राम बाई दान की बिफोर वी वाइंड अप दीडियो स्टूडेंट्स आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है मुझे कि और ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो आप मुझसे समझना चाहते हैं जिनको समझने में आपको तकलीफ होती है ताकि उस पर मैं इसी सरलता से एक वीडियो बना सकूँ और आपकी लाइफ इसी सरलता से वीडियो बना सकूं और आपकी लाइफ में लिटिल वैल्यू एडिशन कर सकूं। सो स्टेट फॉर मोर सच वीडियो एंड डू प्रोवाइड मी इन दी कमेंट बॉक्स एस टू वट डू वॉन्ट मी टू मेक द वीडियो नेक्स्ट ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल